नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काव्या कौशिक। भाजपा विधायक रश्मि वर्मा पे फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। मामला जो है जमीन के खरीद बिक्री का है, जिसमें पीड़ित जो है वो ये आरोप लगाए हैं कि रश्मि वर्मा फर्जीवाड़े तरीके से 10 लाख रुपए ली हैं और जमीन की जो है रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। दरअसल आपको पूरा मामला बता दें तो मामला जो है वो फर्जीवाड़े का है। पीड़ित ने नगर थाना में भाजपा विधायक रश्मि वर्मा पर 10 लाख रुपए सिनेमा हॉल की जमीन बिक्री कराने के नाम पे जो है 10 लाख रुपए देने का आरोप लगाया है। वहीं विधायक द्वारा दिया गया 10 लाख का चेक बाउंस होने का कांड दर्ज कराया गया है। नगर थाना पुलिस कांड दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। वहीं इस मामले पे पीड़ित संजय सारंग क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनो। जो जमीन दिया था एकदम मतलब कि वो रजिस्ट्री करने लायक है ही नहीं, है ही नहीं, हाँ नहीं है। और क्या मामला था? बस और यही मामला है। कितने जमीन के लिए आपके लिए के पास ये भेजा गया था? बात हुई थी एक कर। अब रुपया कितना दिए थे? 10 लाख। 10 लाख, लेकिन ना पैसा मिला ना जमीन। ना जमीन मिला। तो चेक दिया था कोई उसने? जी चेक भी दिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने चेक मुझे दिया था 10 लाख रुपए का। जब दबाव बनाए पर पैसा दे दो, हाँ। उसने मुझे 10 लाख रुपया का जो है, हाँ, चेक दिया था। लेकिन सिर्फ चेक दिया था, उसमें खाता में पैसा उसके था ही नहीं। अच्छा। आज तक उसके खाता में पैसा ही नहीं है, 2 बार चेक बाउंस हुआ है। तो रश्मि वर्मा कौन है? रश्मि वर्मा नगरिया के बीजेपी के MLA है। अभी वर्तमान में MLA है। हाँ। रश्मि वर्मा पर ऐसे भी जो है कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। हाँ, उसकी संख्या दर्जनों से ऊपर है। तो ये पैसा कब दिया था आपने? हमने पैसा दिया था 17/7/2021 को, 10 लाख मोतिहारी के सर्किट हाउस में। 17/7 मतलब जुलाई महीने में। चलिए, 1 साल होने को है। हाँ, 1 साल तो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा ही हो गया। बोलती क्या है वो? कुछ नहीं बोलती है। फ़ोन भी नहीं उठाती है ना। MLA है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कानून भी है, न्यायालय भी है। आपने पीड़ित को सुना, जिन्होंने इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से जो जमीन का है वो फर्जीवाड़ा हुआ है, चेक बाउंस कर गया और उसको लेकर वो विधायक रश्मि वर्मा पे जो है आरोप लगा रहे हैं और थाने में उन्होंने केस दर्ज भी कराया है। आपने पूरे मामले को सुना है। और वहीं इस मामले पे SP कांतेश कुमार मिश्र क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन। जी, पिछले महीने ये मामला दर्ज हुआ है, चेक बाउंस का मामला बताया जा रहा है। तो चूँकि कमर्शियल डिस्प्यूट है और पूर्व में संभवतः ही उनके साथ भी कार्य किए हुए हैं, तो हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। हम लोग जो एक टीम को हम लोग बेतिया भेजेंगे ताकि जो इसमें डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ है हम लोग बैंक से ले सकें और उसके बाद हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। आपने मोतिहारी SP कांतेश कुमार मिश्र को सुना, जिन्होंने इस मामले में बताया कि हमने अनुसंधान में पुलिस लग गई है और तमाम जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है आवेदन में बताया गया है कि नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में जमीन की आवश्यकता थी। मैं अपने पूर्व परिचित रश्मि वर्मा से बात किया, उन्होंने बताया कि हिमालय सिनेमा कैंपस नरकटियागंज की जमीन बिक्री का है, उसे बेचने की आवश्यकता है और वो जमीन दिखाया गया जिसमें जो है 12 लाख रुपए तय किया गया था और 10 लाख रुपए का जो है चेक बाउंस हो गया। रश्मि वर्मा जो चेक दी थी वो चेक बाउंस हो गया। वहीं पीड़ित ने भी क्या कुछ कहा है इस मामले में, उन्होंने पूरी जानकारी दी है, जैसा कि आपने सुना भी है। SP कांतेश कुमार ने भी इस मामले में जानकारी दी है और बताया है कि इस केस को आगे की कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ इसमें गलत हुआ है, क्या कुछ आरोप लगा है फर्जीवाड़ा, क्या कुछ हुआ है, इन तमाम कामों को लेकर जो है आगे अनुसंधान चल रहा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।